अगर गर्मी में आपका गर्म दिमाग और ज्यादा गर्मा रहा है तो उस गर्मी से बचने का एक इलाज मेरे पास है जो कर देगा आपको ठंडा ठंडा कूल कूल। मैं बात कर रहा हूं खस के शरबत की, जो आपको ठंडा भी रखेगा एंड कूल भी। और इस खस के शरबत को बनाने के लिए हमें चाहिए खस, यानी खस की जड़। ये है खस की जड़, और इसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे खस का शरबत। साथ ही मैं बनाऊंगा खस का एक बढ़िया आइसक्रीम सोडा। दो ड्रिंक, एक इंग्रेडिएंट, शुरू करते हैं। अब खस का शरबत बनाने के लिए हमारे पास है ये खस की जड़, जो आसानी से मिल जाती है। आपके घर के आसपास अगर कोई कूलर की शॉप है वहां पर जरूर मिलेगी गर्मियों में। एट द सेम टाइम आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। क्योंकि ये जड़ होती है, इसे पहले हमें साफ करना है रनिंग वाटर के नीचे। इसे इस तरीके से डालकर आप यूं इसे साफ कर सकते हैं। कोई भी अगर कण ऊपर आता है जो खस की जड़ नहीं है, उसे आप हटा सकते हैं। यूं भिगोने से इसकी मिट्टी जो है वो लूजन अप हो जाएगी और वो नीचे सेटल हो जाएगी। दो तीन बार इसे धोने के बाद इसे डालेंगे एक पतीले में, और इसमें जाएगा ताज़ा पानी। और अब इसको शरबत बनाने के लिए, मीठा करने के लिए राजा, इसमें हम डालेंगे चीनी। इसे अब हमें एक बॉईल तक लेके जाना है। बॉईल एक बार आ गया, उसके बाद कम से कम 15 मिनट तक आप इसे पकाते रहिए। उससे होगा क्या, पहला चीनी गाढ़ी हो जाएगी और वो शरबत की तरह बन जाएगी, और दूसरा खस जो है अपना पूरा फ्लेवर उस पानी के अंदर रिलीज कर देगी। और जब ये बनेगी ना, पूरी किचन, पूरे घर के अंदर खुशबू ही खुशबू फैली होगी। वैसे आपकी अगर कोई मेमोरी जुड़ी है खस की जड़ के साथ तो डेफिनेटली शेयर करिए। और अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये खस की जड़ क्या होती है, ये कूलर वाला पैड हम लोग खा सकते हैं नहीं खा सकते, ऐसा कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। आई ट्राई एंड आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे होते थे गर्मियों के अंदर, जब पहली दफ़ा कूलर तैयार होता था, उसकी सफाई होती थी, पानी भरते थे बाल्टियों से उसमें, और नए पैड्स आते थे, और कभी कभार घर पर आते थे खस की जड़ के पैड्स, कूलर के पैड्स। तो जब कूलर चलता था, इसकी पूरी की पूरी महक घर में फैल जाती थी, और एक बहुत ही बढ़िया कूलिंग और कामिंग इफेक्ट देती है खस की जड़। तो मतलब पीने में तो फायदेमंद है ही, आप इसको जब इसके खुशबू को सूंघते हैं वो आपको भी ठंडा कर देती है। वाह, जो इस वक्त महक आ रही है ना इसकी, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी पूरी की पूरी किचन जो है ना, बिल्कुल तरोताज़ा हो गई है। ये तैयार है। तैयार कैसे है बताता हूँ। ये जो शुगर है, सिरप इसका काफ़ी थिक हो गया, एक तार से कम है लेकिन फिर भी गाढ़ा है, बिल्कुल शहद की तरह। ये देखिए, परफेक्ट। इस स्टेज पे गैस करेंगे बंद और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब क्या करना है, ये जो खस की जड़ है ना, इसे हमें निकाल देना है, एक प्लेट पे रख देंगे यूं, और ये जो सिरप है इसे हम छान लेंगे। इसको भी अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर अभी भी काफी रस है। परफेक्ट। अब क्योंकि इस घास का हम रस निकाल चुके हैं, इसे आप अच्छे से धोने के बाद गार्डन में डाल सकते हैं, इसकी खाद बन जाएगी। और बाकी का जो शुगर सिरप है, ये यानी हमारा खस का शरबत, इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है। और ये देखिए, हमारा खस का शरबत तैयार है। अब एक सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा कि भाई बाजार से लेते हैं वो तो हरे रंग का होता है, चलिए हरा कर देते हैं। सिंपली इसके अंदर हम फूड ग्रेड ग्रीन कलर डालेंगे। नाउ ये ऑप्शनल है, फ्लेवर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसकी सूरत बदलेगी। अब देखिए, रंग डालते ही किस तरीके से इसकी शक्ल निखर आई है। अब इस वक्त आप चाहें तो इसे बोतल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए खस का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए ढेर सारी आइस और ठंडा पानी। सबसे पहले हम ग्लास में डालेंगे ढेर सारी आइस, उसके ऊपर जाएगा खस का शरबत, और अब इसको हम टॉप अप करेंगे ठंडे पानी से।
इसमें हम डालेंगे सब्जा जो होते हैं तुलसी के बीज। ब्यूटिफुल, क्या खूबसूरत लग रहा है। खस का शरबत तैयार है। अब हम बनाएंगे इसी खस सिरप का इस्तेमाल करके एक खस आइसक्रीम सोडा। खस आइसक्रीम सोडा बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप, उसके ऊपर हमारा खस का शरबत, सब्जा सीड्स, और अब इसे हम टॉपअप करेंगे चिल्ड सोडा के साथ। और हमारा खस का शरबत डन। असम दो। आज हम जानेंगे खस, जिसे हम खस की जड़ भी कहते हैं, वो आखिर में होता क्या है। देखिए, खस या खस की जड़ जो है, जैसे नाम खुद ही कह रहा है, जड़, एक तरीके की जड़ या रूट होती है। किसकी रूट होती है? एक घास होती है, खस की घास, जो कम से कम 5 से 6 फुट ऊंची होती है। लेकिन इसकी जो जड़ होती है खास से दुगनी, यानी 10 से 12 फुट नीचे तक होती है। तभी कई तराई वाले या पहाड़ी इलाकों में स्पेशली इसे उगाया जाता है, ताकि ये मिट्टी को रोक कर रखे। और खस की जो जड़ है, इसका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेदा में होता आया है। और ये इंसान को ठंडा करती है, शारीरिक अंदर से भी, और इसकी खुशबू भी आपको ठंडा करती है, काम डाउन करती है। और खाने के अंदर भी खस की जड़ का खास स्थान है। खस से बनता है खस का शरबत, जो गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही पोटली मसाला, जो हैदराबादी क्यूजीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें खस की जड़ इस्तेमाल होती है। कलौटी कबाब लखनऊ से जो है, या वहाँ के जो कोरमा है, उसके अंदर भी खस की जड़ इस्तेमाल होती है। बाज़ार में जब भी आप खस का शरबत खरीदते हैं, तो एक गाढ़े हरे रंग पर होता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो फूड कलर डाला जाता है। नॉर्मली जब आप घर पर इसे बनाएंगे, तो इसका रंग मिट्टी के रंग का, भूरे रंग का होगा। रंग डालना या ना डालना ऑप्शनल है। खस की जो जड़ है, उसके फायदे अनेक हैं। तभी आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में इसकी मैट्स बना करती थी और घर के आंगन में लगा देते थे, उस पर पानी छिड़कते थे, हवा उस पर लगती थी, हवा ठंडी और तरोताज़ा होकर पूरे घर को महका देती।